अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद जो है वो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आज हमारे घर पे दावत है और काफ़ी दिनों बाद दावत हुई है और ये दावत काफ़ी बड़ी है। मतलब नॉर्मल 5-6 लोगों की दावत होती है ना, लेकिन आज जो है वो दावत है 17-18 लोगों की दावत है। तो आज का जो मेन्यू है वो मैं बता देती हूँ। आज मेन्यू में होगा मटन बिरयानी, जो कि मेरा हमेशा रहता है, बिरयानी तो मतलब रहना ही है। उसके बाद चिकन अफगानी होगा, कस्टर्ड होगा, रायता, एंड उसके बाद जो है ये मैं बना रही हूँ वेज हांडी। साथ में मैं बनाऊंगी डेजर्ट केक का, नान होगा, रायता वगैरह ये सब रहेगा। तो मैं सारी रेसिपी तो आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि बिरयानी, कस्टर्ड और चिकन ये सारी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है पहले। लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं नई रेसिपी बना रही हूँ ना, वो उसकी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ जब कुछ नई रेसिपी बनाऊं, डिश बनाऊं, तो उसकी रेसिपी शेयर करूं। तो अभी जो है ये बना रही हूँ मैं वेज मलाई हांडी। तो इसको लिए मैंने सारे वेजेस को पहले घी में फ्राई कर लिया है 2-3 मिनट के लिए नमक डालकर, और जिसमें मैंने गाजर, मटर, आलू, गोभी इन सबको फ्राई किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्राई करके निकाल लिया। अब ऑयल में मैंने खड़े गरम मसाले डाले हैं, जीरा है, लौंग, इलायची, दालचीनी, बेल पेपर। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। उसे मैंने ऑयल में, यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है, ऑयल में पहले मैंने फ्राई कर लिया 2 मिनट। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी। टमाटर का छिलका मैंने निकाल लिया और उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। इन सबको अब लो फ्लेम पे भूनने के लिए रखना है। तब तक जो है मैं एक पेस्ट बना ले रही हूँ यहाँ पे, जो मैंने अनियन का बैरिस्टा रेडी किया हुआ है। यहाँ पे मैंने 3 अनियन ली थी और उसका बैरिस्टा बनाया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं काजू यूज कर रही हूँ, कैश्यू। तो यहाँ पे 12-15 पीस मैंने काजू लिया हुआ है और उन सबको मैंने पीस लिया। यहाँ पे देखिये मसाला भी बहुत अच्छे से भून चुका है। अब उसमें ये पेस्ट मैंने डाल दिया है काजू और बैरिस्टा का। तो इस पेस्ट को भी अभी क्या करना है, थोड़ा सा भूनना है, जो कि मिक्सर में पाउडर मसाले जो है उस सब में अच्छे से पक सके। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च डाल दी, 3 से 4 आपने डालना है। नमक मैंने अब डाला है, बिल्कुल पहले नहीं डाला, अब डाला। और सारी सब्जियों को मैंने इसमें शामिल कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को आपको फ्राई करने की जरूरत नहीं है, आप उसे बिल्कुल लास्ट में जब आप सारी सब्जियों को मसाले में डालो उस वक्त भी आप डाल लो। और आप चाहें तो यहाँ पे पनीर भी यूज कर सकते हैं, पनीर भी आप इस टाइम पे डाल सकते हैं। तो मैंने पनीर यहाँ पे डाला नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा सब्जियां हो गई थी, मिक्स वेज था, तो मैंने इसे पनीर को नहीं डाला। अब सारी सब्जियों को जो है वो मसाले में थोड़ा सा फ्राई करना है जब तक ऑयल ना निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। अच्छा, पानी डालने का भी एक टिप्स होता है, अगर आप जब भी कोई सालन वगैरह बना रहे हो, कड़ी बना रहे हो, तो आप पानी जो है ना वो गर्म पानी डालो। इससे कलर ना इतना इन्हांस होता है ना सब्जियों का। अगर आप ठंडा पानी डालोगे ना तो कलर बहुत सारा डल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें आप नॉर्मल जो है थोड़ा गर्म पानी डालो सब्जियों में। उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे रख दिया था ढककर। यहाँ पे देखे सब्जियां जो है वो अच्छे से गल चुकी है, पक चुकी है। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप में जो इन्ग्रीडियंट्स है वो डालना है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं केचप, और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी क्रीम, जो कि इस रेसिपी का मेन पार्ट है, जो इसका नाम है ना वेज मलाई हांडी। तो इसमें बस वो क्रीम जो है ना इसका काम करता है ये बहुत ही। अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो आप वो भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच क्रीम डाली है, कुकिंग क्रीम। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाल दिए कसूरी मेथी, और लास्ट में मैं डाल दूंगी इसमें 1 चम्मच गरम मसाला। दैट इट्स, यहाँ पे जो है वेज हांडी रेडी हो गई है, हमारी कंप्लीट हो गई है। और इसको बस इसी तरह से ही रखना है। अब जो है ये सेकंड रेसिपी के बारे, यहाँ पे मैंने केक को बेक कर लिया है, चॉकलेट केक। और ये आप देख लो कितना ज्यादा अच्छा बना, इतना स्पंची बना है ना। और मैंने फर्स्ट लेयर का ही, मतलब एक ही लेयर का मैंने केक यहाँ पे रेडी किया है। तो केक की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, लिंक दे दूंगी, चेक जरूर कर लेना। सेकेंड टाइम केक बेक किया है मैंने और फर्स्ट टाइम से ज्यादा अच्छा बना है ये। तो ट्राइंग करना, जो ट्राई होता है ना, आपको करते रहना चाहिए। ये जो है ना एक बहुत अच्छा टीचर होता है लाइफ का, आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो मैंने ये सेकंड टाइम बनाया ना और पहले से बेहतर बनाया ये केक। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट कस्टर्ड जो बनाया था ना, अब मैं यहाँ पे चॉकलेट कस्टर्ड बना रही हूँ।
तो मेरे पास चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर था नहीं घर पे, तो मैंने क्या किया, 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया और 2 चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया और उन सबको मैंने मिल्क में घोल लिया। तो अगर आपके पास चॉकलेट कस्टर्ड नहीं है तो आप इस तरह से घर के सामान से भी चॉकलेट कस्टर्ड पाउडर रेडी कर सकते हैं। तो इन सबको मैंने दूध में डाला, उसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क चॉकलेट डाला थोड़ा सा बस टेस्ट के लिए, और यहाँ पे देखें मेरा चॉकलेट कस्टर्ड भी रेडी हो चुका है। इसे बस ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और यहाँ पे देखें अब जो है वो मैं लेयर करना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ फर्स्ट लेयर जो है मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम डाली हुई है, और उसके बाद मैं यहाँ पे केक को डालूंगी। तो केक को बस मैं ऐसे तोड़कर जो, अच्छा आपने जब कप केक खाया होगा ना, कप केक आपने देखा होगा उसमें कितने सारे लेयर होते हैं ना, 4-5 लेयर होते हैं। तो बस मैं यहाँ पे वही रेसिपी बना रही हूँ, कप केक ही है, बस इसे मैं बॉल में बना रही हूँ। और कप केक में जो होता है ना वहाँ पे कस्टर्ड यूज नहीं होता है, बस क्रीम होते हैं और केक होता है। तो मैंने एक और लेयर के लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट कस्टर्ड बनाया हुआ है, और आप यकीन करो इतना ज्यादा यम्मी बना था ना, मतलब कप केक से भी ज्यादा अच्छा इसका टेस्ट आया था। तो उसके बाद मैंने ये जो फोर्थ लेयर है ना वो मैंने डार्क चॉकलेट का किया, डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया, और उसके बाद मैंने ये फोर्थ लेयर डार्क चॉकलेट का किया है, और लास्ट का जो लेयर है वो फिर से मैं व्हिपिंग क्रीम से कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर से व्हिपिंग क्रीम डाली हुई है। तो अब मैं आपको लेयर काउंट करवाती हूँ कितना लेयर हुआ है। फर्स्ट है व्हिपिंग क्रीम, केक, फिर चॉकलेट कस्टर्ड, डार्क चॉकलेट, और लास्ट में फिर से मैंने क्रीम डाल दी हुई है। तो अब इसे जो है वो मैं रख दूंगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए, जब पूरा सेट हो जाएगा तब इसे मैं न्यूट्रेला या फिर शुगर सिरप के या फिर मैं चॉकलेट सिरप से इसे डेकोरेट कर दूंगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मेरा जो है वो पूरा डिनर कंप्लीट हो गया है। सारी रेसिपी जो थी 2-3 मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, और यहाँ पे देखें तो किस चीज को मैंने किस चीज से डेकोरेट किया वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये जो खाना है ये 17-18 लोगों का मैंने बनाया हुआ है और 2 जगह मैंने निकाला हुआ है। तो चले पहले दिखा देती हूँ मैं, बिरयानी यहाँ पर है, नान है, और फ्रूट कस्टर्ड है तो उसको मैंने फ्रूट से डेकोरेट किया हुआ है। उसके बाद वेज था जो, उसको मैंने तिल से डेकोरेट किया है, यहाँ पे मैंने न्यूट्रेला डाला है, और ये हांडी थी ना वेज चिकन अफगानी, उसे मैंने क्रीम से किया डेकोरेट। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा और खाना भी बहुत टेस्टी था। मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स थे उनका हमने अलग खाना निकाला हुआ था, और मेरी जो फ्रेंड्स थी हमने उनका अलग खाना निकाला हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो दावत का प्रिपरेशन है रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जरूर ट्राई किया करें मेरी रेसिपी, कुछ कुछ जो आपको अच्छी लग रही है जरूर ट्राई किया करें। तो यहाँ पे करती हूँ इन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।